तो ये है दोस्तों इन्फोग्राफिक जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बनाया, ये हो गया। उसके बाद ये है एक डिजाइन, ये है। सो इतने स्टनिंग डिजाइन, जैसे कि मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, ये इतने स्टनिंग डिजाइन मैंने कैसे बनाया, मैंने किस पद्धति से इसको बनाया, क्योंकि ये स्टनिंग लुक दे रहा है एक प्रोडक्ट को। ये इन्फोग्राफिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में कि ये कन्वर्जन रेट रैपिडली बढ़ा देता है। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट हमें अगर बढ़ाना है, हमारी सेलिंग बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली हमें इन्फोग्राफिक की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो ये मैंने कैसे बनाया है, इसमें मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की, मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाया है, और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ना यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को यूज किया है, ना कहीं ऐसा एडवांस टूल को यूज किया है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए या फिर सीखने के लिए। सो ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं कौन, मैं हूँ एक ऑनलाइन सेलर, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं पिछले साढ़े तीन साल से मैं ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो या फिर हमारे खुद के स्टोर से सेलिंग हो, इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपर्टीज है और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। सो आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको सीखना है कि इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाया जाता है और एकदम सिंपल वे में 5 मिनट के अंदर आपकी एक इन्फोग्राफिक बन के रेडी हो जाता है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत ही मैसिव वैल्यू आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैनवा जैसे हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे एडिटिंग के लिए, इन्फोग्राफिक के लिए, तो वो कैनवा भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज करना है। वहां पे पेड सब्सक्रिप्शन भी है कैनवा का, वो ना लेते हुए हम लोग कैसे उसका यूज कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी इमेजेस वहां से हम लोग ले सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा इसको कॉर्नर पे कर देता हूँ। सो नाउ मैं दोस्तों हूँ अभी कैनवा पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने डिजाइन्स मैंने रेडी किए हैं। ये पूरे मैंने अभी रेडी किए, इसको एक एक दिन में रेडी किया मैंने। सो ये आप कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी एक लिस्ट रेडी करनी है जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो। ठीक है, कौन सी लिस्ट रेडी करनी है, आपके प्रोडक्ट्स एक नीच में अगर है, समझ लो कि गार्डनिंग कैटेगरी में है, तो गार्डनिंग कैटेगरी में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स है उसके फीचर्स आपको एक पेज पे नोट डाउन कर लेने हैं। जितने भी उसके फीचर्स है, जितने भी उसके हाइलाइटेड पॉइंट्स है जो आपको कस्टमर को पिच करना है, बताने हैं कि ये भाई इस प्रोडक्ट में फीचर है। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट में टिक वुड है, वाटर प्रूफ है, वेट बेयरिंग कैपेसिटी उसमें, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, एलिगेंट लुक है, उसके बाद वो ड्यूरेबल भी है, प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है उसका, कहीं पे भी असेंबली रिक्वायर्ड नहीं है, शार्प एजेस नहीं है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, एस्थेटिक डिजाइन, स्मूथ फिनिश। तो ये सभी जितने भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख के रखे हैं, ये आपको रेडी कर लेना है। ये जैसे ही आपके रेडी हो गए, देन सेकंड स्टेप में आ जाना है आपको कैनवा पे। यहाँ पे आपको क्रिएट डिजाइन के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कस्टम डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कस्टम साइज। ठीक है, कस्टम साइज में आपको यहाँ पे पिक्सल में आपको साइज सिलेक्ट करना है 1500x1500। ये आपको डिजाइन यहां से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है मेरा, तो ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही आप साइज सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा ये शूट है, ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट का शूट किया था हमने, तो ये एक हो गई हमारी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 4-5 आपको एक प्रोडक्ट की इमेजेस रखने हैं, कौन से एंगल से होने चाहिए और उसका शूट का एस्थेटिक कैसे होना चाहिए। सबसे पहला तो आता है दोस्तों एक व्हाइट बैकग्राउंड में, प्योर व्हाइट बैकग्राउंड में। सेकेंड आता है उसका साइज, ठीक है। थर्ड आता है उसका एक लाइफस्टाइल इमेज, और फोर्थ में आप एक एंगल रख सकते हो, और इन दी एंड एक अपना इन्फोग्राफिक जिसको हम लोग अभी बनाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 5-6 आपको ऐसे एंगल्स रखने हैं और 5-6 एस्थेटिकली आपको शूट भी करना है अपने प्रोडक्ट का। यहां से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है एकदम, आपको क्या करना है, अपनी एक फोटो ले लेनी है। जैसे कि मैंने ये अपने प्रोडक्ट की फोटो ली है। फोटो लेने के बाद में आपको आप लोगो भी ले सकते हो, अपना ट्रांसपेरेंट लोगो लेना है अपने ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे आप अभी सर्कल देख रहे होंगे, तो ये सर्कल कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ से एलिमेंट्स में। आपको सर्कल सर्च करना है और वो वाला सर्कल ले लेना है। उससे भी पहले दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया 1500x1500 साइज ले लेना है। जैसे कि अमेजोन की गाइडलाइन है, फ्लिपकार्ट की गाइडलाइन है कि उनकी जो इमेज की साइज है वो 1500x1500 पिक्सल्स होनी चाहिए मिनिमम। सो मैंने 1500x1500 ले ली है ऑलरेडी। और उसके बाद में सीसी क्या रहता है, सीसी है कलर कोड। समझ लो कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कलर को आपको मैच करना है। जैसे कि हमारा ये कलर जो है ये ब्राउनिश है थोड़ा, तो ब्राउनिश कलर को मैंने यहाँ पे मैच किया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये रहता है इंपॉर्टेंट कि वो प्रोडक्ट को मैच हो, थोड़ा सा उसमें
हाईलाइटेड दिखे, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है डिजाइनिंग में। जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करने जाते हो या फिर कोई भी इन्फोग्राफिक इमेज डिजाइन करने जाते हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कलर कोड आपको एक ही ले लेना है, ठीक है। जैसे कि ये इमेज है, तो इस इमेज से रिलेटेड, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इमेज का जो कलर है, तो उसी इमेज से रिलेटेड एक कलर कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसका नंबर, जैसे कि ये मेरा नंबर है कलर का, तो ये आपको ले लेना है। ये कहां से आएगा, जैसे कि ये कलर है यहां से मैंने सिलेक्ट किया है, ये यहां पे आप देख पा रहे हो, ये फोटो कलर्स का एक ऑप्शन यहां पे आता है। तो फोटो कलर्स में जाके आप देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर फोटो में कौन से कलर्स यूज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पे डायरेक्टली मैच कर सकते हो उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पॉइंट्स रेडी कर लेना है जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अपना एक फीचर डाला है जो कि कॉम्पैक्ट एस्थेटिक डिजाइन एंड एलिगेंट लुक। ये किसको डिस्क्राइब करता है, एक एलिगेंट लुक को। तो लुक के लिए हम लोग एक यहाँ से कैरेक्टर, यहाँ से एक एलिमेंट चूज करेंगे कि लुक के लिए कौन सा अच्छा लगता है। जैसे कि आपका होगा कोई गार्डनिंग में, तो गार्डनिंग में आपको अगर व्यू दिखाना है तो आप गार्डनिंग कोई सर्च कर सकते हो यहाँ पे एलिमेंट, तो आपको बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ग्राफिक्स में जाना है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, स्पेलिंग आपको गलत नहीं डालना है। तो गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये है। तो जैसे ही आप ये लेते हो तो आपको इसके साथ में आ जाता है कलर्स का ऑप्शन। आपको ग्राफिक्स ले लेना है दोस्तों, ठीक है। ग्राफिक्स आपको यूज करना है एलिमेंट में। ऑल में अगर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस भी मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगे, तो आपको ये नहीं करना है, आपको सीधा जाना है ग्राफिक्स में, और ग्राफिक्स में जाके आपको एक यहां से इमेज या फिर एक कैरेक्टर, एक एलिमेंट आपको ले लेना है। जैसे कि ये मैंने ले लिया, तो आप इससे मैच कर सकते हो। गार्डनिंग का कलर समझ लो कि हम लोग ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ग्रीनरी में जायज सी बात है कि ग्रीन हम लोग चूज करेंगे, तो आप लाइट ग्रीन ले सकते हो, डार्क ग्रीन ले सकते हो। तो इस टाइप का आप कलर कोड चूज कर लीजिए और एक ही कलर कोड रखिए अपने पूरे जितने भी आपको यहाँ पे इन्फोग्राफिक एलिमेंट दिख रहे हैं उसमें। समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद आपको जैसे कि दूसरा एक यहाँ पे इन्फोग्राफिक है, हाई वेट बियरिंग कैपेसिटी, तो उसके लिए मैंने ये यूज किया है। आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि हाई वेट बियरिंग कैपेसिटी, तो आपको यहाँ पे सिंपल कीवर्ड डालना है वेट बियरिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिखेंगे, ग्राफिक्स में जाके आप वो एलिमेंट्स देख सकते हो। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट्स आपको ले लेना है जो कि रिलेटेबल हो, जो कि रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे हाई वेट बियरिंग कैपेसिटी डाल दिया है और उसके जगह पे कोई अलग ही कुछ आप एलिमेंट वहां पे पुश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, इससे गलत इंप्रेशन जाता है कस्टमर का। तो इस टाइप से आप ये पूरे इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। तो आपको कलर कोड चूज कर लेना है, आपको फॉन्ट साइज भी, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और, फॉन्ट साइज आपको देख लेना है कि फॉन्ट साइज आपका एक ही रहे, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइज नहीं रखना है, एक ही फॉन्ट साइज आपको रखना है। तो इससे अलग इंप्रेशन जाता है, हमारा इन्फोग्राफिक एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये बना सकते हो। अभी इसमें और एक फीचर है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो घंटे दो घंटे चले जाएंगे ऐसे। आपको अगर ये प्रॉपरली सीखना है तो उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे कोर्स है कैनवा के ऊपर में, उसमें मैंने पूरा प्रॉपरली डिस्कस किया कि कैसे आप डिजाइन बना सकते हो, ए टू जेड टाइप्स के आप यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनी पेनी। तो ये एक जो मैंने यहाँ पे लुक दिया है, तो ये क्या है, ये एक इमेज है, और इमेज अगर हमारा व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको इसको ही अलग तरीके से आप एडिट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है, एडिट इमेज पे जाना है, यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस देखोगे, ठीक है, मॉकअप्स देखोगे, आपके फोन में भी आप डाल सकते हो, अपने पीसी में डाल सकते हो, तो इस टाइप के आप डिजाइन यहाँ पे देखोगे, तो बहुत सारे तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। बट हमें एक इन्फोग्राफिक बनाना है और डिसेंट लुक देना है, तो इसके लिए हम लोग वो यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं एक शैडो वाला, ठीक है। तो शैडो उसके आ जाएंगे तो अलग सा एक अलग लुक देता है, वो अट्रैक्टिव लुक देता है, तो इसके लिए मैंने ये शैडो वाला यूज किया है यहाँ पे फीचर। तो इस पद्धति से दोस्तों ये एलिमेंट देख सकते हो, ये पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको एलिमेंट्स वाले सेक्शन में मिल जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च करना है, जैसे कि लाइन्स हो गया, शेप्स हो गया, फ्रेम्स हो गया, चार्ट्स हो गया। अभी जब मैं इसको अगर डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो एलिमेंट्स आप देखोगे तो वो पेड भी है, जैसे कि ये वाला पेड है, ठीक है, ये वाला एक पेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिमूव वाटरमार्क का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर रिमूव करने जाते हो तो यहाँ पे क्या पूछता है कि आप इसको परचेस करो, तो परचेस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो टिप बताने वाला हूँ उससे आप परचेस भी नहीं करोगे, फिर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि ये कैनवा यहाँ पे शो हो रहा है और एक अलग इंप्रेशन जा सकता है, तो इसके लिए आपको सिंपल जाना है इस यहाँ पे एलिमेंट्स में, उसके बाद आपको लाइन्स एंड शेप वाले सेक्शन में एक ऐसा शेप ले लेना है, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला एक शेप ले लिया, और उसको मैं फ्रंट में लाऊंगा, ये शेप ले लिया, और कलर को मैं मैच करूंगा, ठीक है, ये शेप ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा साइज इसका डिक्रीज कर देता हूँ,
और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका आपको कलर भी चूज कर लेना है कि कौन से कलर का हमारा पॉट था और कौन से कलर का ये मैच होना चाहिए। हट गया, हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया गायब। ठीक है, तो इसकी मदद से आप वो लोगो भी हटा सकते हो, वाटरमार्क रिमूव कर सकते हो। तो अभी जब मैं इसको फिर भी डाउनलोड करने जाता हूँ ना दोस्तों, तो फिर भी मुझे पूछता है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लो। तो यहाँ पे शेयर पे जाऊंगे, सिंपली क्या PNG आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन करना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, JPG नहीं करना है। JPG स्मॉल साइज और रिड्यूस्ड उसका कॉम्प्रेस हो जाती है वो फाइल, इसलिए आपको हाई क्वालिटी इमेज PNG फाइल आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे टोटल हमारा जो अमाउंट आ रहा था ना वो आएगा ऑलमोस्ट, अभी मैं यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से आपको पेज सिलेक्ट कर लेना है, पेज 18 हमारा था ये। ठीक है, डन, डाउनलोड विथ कैनवा प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आना है आपको यहाँ पे डाउनलोड अ फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप यही इमेज विथआउट वाटरमार्क अपने PC में ले लोगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया, यहाँ पे आप कहीं पे भी देखोगे तो आपको वाटरमार्क नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों यही थी आज की एक सिंपल टेक्निक इन्फोग्राफिक प्रोडक्ट के लिए हमारे बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे कैनवा प्रो कोर्स की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको पूरा कैनवा प्रो सीखना है, कैनवा प्रो बनना है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रोडक्ट हमारे परचेस करना है तो उसकी भी लिंक मैं स्टोर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से परचेस कर सकते हो। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।